हेलो एवरीवन, ग्रुप थ्योरी में हम सिमेट्री एलिमेंट और पॉइंट ग्रुप के बारे में काफ़ी डीपली स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो पॉइंट ग्रुप है उसी में हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उसकी समरी को यहाँ पर देखेंगे, पॉइंट ग्रुप की समरी को यहाँ पर समझेंगे। साथ ही हम पॉइंट ग्रुप और उनसे रिलेटेड जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनको भी यहाँ एक समराइज्ड वे में देखेंगे। इसके अलावा हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें भी कौन कौन से पॉइंट ग्रुप होते हैं कई बार किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सब यहाँ पर हम समराइज वे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूल्स में जो पॉइंट ग्रुप है उसको हम थ्री स्टेप फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं। तो कोई भी हमारे पास स्पीसीज है उसमें हमने चर्चा की थी कि स्पीसीज को हम थ्री पॉइंट ग्रुप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री, सेकंड हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेशल सिमेट्री और थर्ड हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई सिमेट्री में इनको डिवाइड किया था। तो देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री थे वो थ्री कैटेगरी में थी, उनमें थ्री प्रकार के पॉइंट ग्रुप थे। फर्स्ट जिनमें कोई भी आइडेंटिटी के अलावा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था उनको हमने C1 से डिनोट किया था। सेकंड जिनमें आइडेंटिटी के साथ ही साथ क्या था, प्लेन भी थी, उनको हमने CS से डिनोट किया था। और थर्ड जिनमें आइडेंटिटी के साथ इन्वर्जन सेंटर था उनको हमने CI पॉइंट ग्रुप से डिनोट किया था। इस प्रकार हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री थे उनको टू कैटेगरी और एक कैटेगरी को फर्दर हमने सब डिवाइड टू कैटेगरी में करते हुए टोटल कितने तरह के पॉइंट ग्रुप थे वहां पर, थ्री तरह के पॉइंट ग्रुप थे, C1, CS और CI। नेक्स्ट हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई सिमेट्री की चर्चा की थी तो उनको हमने क्या देखा था कि उनमें प्रिंसिपल एक्सिस CN की बात कर रहे थे, CN प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर NC2 प्रेजेंट नहीं थी, यहां पर NC2 है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ में कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी तो उसको हमने CN पॉइंट ग्रुप में रखा था, वर्टिकल प्लेन था तो उसको CNV पॉइंट ग्रुप में रखा था। साथ ही उनमें अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन था तो उनको हमने CNH पॉइंट ग्रुप में रखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या थे, NC2 अगर प्रेजेंट थे, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर NC2 प्रेजेंट थे तो उनको हमने डाइहेड्रल ग्रुप में रखा था। और डाइहेड्रल ग्रुप को हमने फर्दर सब डिवाइड किया था थ्री कैटेगरी में, फर्स्ट DN, सेकंड DND और थर्ड DNH। DN पॉइंट ग्रुप में केवल क्या था, रोटेशनल एक्सिस थी CN और उसके परपेंडिकुलर NC2 थी, यहां पर किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी, तो ये हमने DN पॉइंट ग्रुप से डिनोट किया था। सेकंड कैटेगरी में हमने देखा था जिनको हमने DND से डिनोट किया था उनमें CN के परपेंडिकुलर NC2 के साथ साथ σD प्लेन भी प्रेजेंट थे, उनको हमने DND पॉइंट ग्रुप से डिनोट किया था। और थर्ड हमारा जिनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन था उनको हमने DNH पॉइंट ग्रुप से डिनोट किया था। इसके अलावा हमने जो थर्ड इसमें कैटेगरी रखी थी वो SN पॉइंट ग्रुप थी जिनमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन था। यहाँ N की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट बात है, N की वैल्यू ऑलवेज इवन होगी। थर्ड हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेशल सिमेट्री जो थर्ड हमारी कैटेगरी थी उसमें हमने देखा कि लीनियर मॉलिक्यूल थे, लीनियर मॉलिक्यूल को हमने फर्दर सब डिवाइड किया था टू कैटेगरी में। एक तो वो थे जिनमें क्या था, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट था, और एक वो थे जिनमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं था, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक थे और सेंट्रोसिमेट्रिक थे। तो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक में हमने क्या देखा कि ये किसका एक्सटेंशन था, CNV पॉइंट ग्रुप का एक्सटेंशन था जिनमें N की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिट थी। इसके अलावा ये DNH पॉइंट ग्रुप का एक्सटेंशन था जिसमें N की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिट थी, ये सेंट्रोसिमेट्रिक थे और ये नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक थे। इसके अलावा हमने थर्ड कैटेगरी यहाँ पर देखी, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, जिनको हमने क्या किया था कि इनमें किसी भी प्रकार का
कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं था प्रिंसिपल एक्सिस और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी उनका आपस में, उनको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और इकोसाहेड्रल। वैसे हमने इनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्यूबिक और इकोसाहेड्रल। क्यूबिक को फिर से सब डिवाइड किया था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। तो इनमें ऑर्डर की बात हमने की थी, इसका 24 था, इसका 48 था, इनका 120 था। और लास्ट हम के पॉइंट ग्रुप से, एटम्स हैं जो स्फेरिकल होते हैं उनको हम के पॉइंट ग्रुप से डिनोट करते हैं, इनका ऑर्डर भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने सारे जो पॉइंट ग्रुप थे उनको एक जगह समराइज करने की कोशिश की, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, और यहाँ से आप पॉइंट ग्रुप है उसको समराइज वे में समझ सकते हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पॉइंट ग्रुप और उनसे रिलेटेड जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनकी एक डिटेल लिस्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको काफ़ी सारी हेल्प करेगी कि किसी पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको जो टेबल है हमने इसमें सबसे पहले पॉइंट ग्रुप को लिखा है, उसके बाद उसका ऑर्डर लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट लिखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम MLS पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले पॉइंट ग्रुप को देख रहे हैं, उनमें C1 हमने कहा था कि इनका ऑर्डर 1 होता है और इनमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, इसके अलावा और कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड हमने कहा था CI, जिनमें आइडेंटिटी के साथ में क्या है, इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट है, इनका ऑर्डर कितना है, 2 है। थर्ड हमने कहा CS पॉइंट ग्रुप, जिसका ऑर्डर भी क्या है, 2 है, जिसमें आइडेंटिटी के अलावा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम ये नहीं कह सकते कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन है या डाइहेड्रल प्लेन है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको आप दूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब हम तब डिनोट करते हैं जब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इनका कोई पर्टिकुलर रिलेशन, तभी डिनोट करते हैं, अदरवाइज इनको प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन ही कहेंगे। सेकेंड हमने जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री के बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई सिमेट्री थे, उनमें सबसे पहले हमने CN ग्रुप की चर्चा की थी, और वहाँ हमने कहा था कि इनका ऑर्डर क्या होता है, N होता है। ऑर्डर कितना होता है, N होता है, जो ये N है वो इनका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले इनको हम इनके कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, C2, C3, C4, C5। तो C2 के केस में ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, उन कौन कौन से होंगे, आइडेंटिटी और C2। C3 के केस में आइडेंटिटी C3 1, C3 2 होगा। C4 के केस में आइडेंटिटी C4 1, C4 2, जो C2 के इक्वल होगा, और C4 3। ऐसा ही C5 के केस में भी होगा, आइडेंटिटी के अलावा 4 जो सिमेट्री एलिमेंट है वो किस से बिलोंग करेंगे, C5 से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट हम देखें CNV ग्रुप, जिनका ऑर्डर हमने क्या कहा था, 2N है। तो इसमें सबसे पहले C2V पॉइंट ग्रुप हम देख रहे हैं, तो यहां पर 2 × 2 कितना होगा, ऑर्डर 4 होगा, C3V में 6 होगा, और C4V में 8 हो गया। तो यहां आप देखिए कि यहां पर हमारे पास वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट थे, क्या थे, वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट थे। तो देखिए C2V का जो ऑर्डर 4 है उससे रिलेटेड सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें, आइडेंटिटी थी C2 से रिलेटेड, एक C2 1 था और 2 σV थे, जैसा H2O में हम देखते हैं, ऐसा ही NH3 में हम देखते हैं, C3V पॉइंट ग्रुप होता है और उसके अंदर भी क्या होंगे, आइडेंटिटी होगी, C3 से रिलेटेड 2 सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे, C3 1, C3 2 और 3 σV होंगी, कुछ ऐसा ही C4V के केस में होगा। यहां देखिए आप आइडेंटिटी, ये 3A हो गए, और 2 कैटेगरी में वर्टिकल प्लेन भी होंगी जो 4 होंगी। नेक्स्ट हम CNH ग्रुप को देख रहे हैं, जिनका ऑर्डर भी क्या है, 2N है, कितना है ऑर्डर, 2N है। तो CNH ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले C2H होगा, जिसमें ऑर्डर 4 होगा, और यहाँ देखिए आप
जो रिलेटेड सिमेट्री एलिमेंट होंगे वो आइडेंटिटी होगी, सी टू होगी, इन्वर्जन सेंटर होगा, और टू सिग्मा एच होंगी। इसी प्रकार सी थ्री एच की बात करें हम, तो यहाँ पर सी थ्री एच की केस में एस थ्री वन और एस थ्री टू भी होंगी, इम्प्रॉपर एक्सिस भी होगी, सिग्मा एच है। और इस प्रकार इसमें सिक्स सिमेट्री एलिमेंट्स हो गए। सी फोर एस के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर आप देखिए इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ हमने देखा सी एन एच पॉइंट ग्रुप और उससे रिलेटेड ऑर्डर कितना होगा, टू एन होगा। तो यहाँ इनसे रिलेटेड सिमेट्री एलिमेंट्स को हमने समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सी एन के बाद डी एन ग्रुप, जिसका ऑर्डर भी टू एन ही होगा। तो सबसे पहले डी टू, इसके खूब सारे एग्जाम्पल हमने चर्चा की थी, फिर डी थ्री, फिर डी फोर, ऑर्डर क्या होगा, फोर सिक्स एट। तो देखिए यहाँ पर ये प्योरली रोटेशनल ग्रुप से बिलोंग करता है, उनका पॉइंट ग्रुप क्या था, डी एन था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर सी टू तो थी लेकिन कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी। तो यहाँ पर फोर वाले में क्या होगा, आइडेंटिटी प्रिंसिपल एक्सिस से रिलेटेड एक और टू उसके वर्टिकल, सॉरी जो परपेंडिकुलर सी टू और थी उनसे रिलेटेड ये हो गए। ऐसा ही डी थ्री की केस में सी थ्री से रिलेटेड टू और थ्री है वो सी टू से रिलेटेड और आइडेंटिटी होगी, कुछ ऐसा ही किस में होगा, डी फोर में होगा। नेक्स्ट हम डी एन एच ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं, ऑर्डर यहाँ पर क्या होता है, फोर एन होता है, इसका ऑर्डर कितना होता है, फोर एन होता है। तो यहाँ पर हमने इनको डी टू एच, डी थ्री एच और डी फोर एच को देख रहे हैं। डी टू एच के केस में कितना हो गया, ऑर्डर एट हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें आइडेंटिटी होगी, इसके अलावा सी टू उसके परपेंडिकुलर टू सी टू और होंगी, साथ ही इसमें इन्वर्जन सेंटर होगा, सिग्मा एच होंगी और टू सिग्मा वी भी होंगी। ऐसा ही डी थ्री एच के केस में क्या होगा, इसका ऑर्डर 12 होगा, कैसे होगा, आइडेंटिटी सी थ्री से कितने हो गए, टू हो गए, परपेंडिकुलर थ्री सी टू हैं उनके थ्री हो गए, सिग्मा एच प्रेजेंट है ही इनमें, थ्री सिग्मा भी प्रेजेंट है और इनमें एस थ्री भी प्रेजेंट है, जिससे रिलेटेड कितने हो गए सिमेट्री ऑपरेशन, टू हो गए। डी फोर एच के केस में कितना होगा ऑर्डर का वैल्यू, फोर इंटू फोर 16 होगा, कैसे होगा, इसमें आइडेंटिटी होगी, सी फोर उससे रिलेटेड थ्री होंगे लेकिन एक है वो सी फोर टू है, उसको हमने सी टू में डिनोट कर दिया अलग से, तो टू तो सी फोर से रिलेटेड, सी टू से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें फोर सी टू थी जो टू टाइप की थी, तो टू और टू ये फोर हो गए, सिग्मा एच भी था। इसके अलावा यहाँ हमने कहा था कि आप देखिए सी एन की वैल्यू फोर है या उससे ज़्यादा है और इवन है, तो उस केस में जो प्लेन उसके थ्रू गुजर रही है उनमें से हाफ क्या होंगी, वर्टिकल होंगी और हाफ क्या होंगी, डाइहेड्रल होंगी, तो फोर ये ऑपरेशन हो गए। और इसके अलावा इसमें आइडेंटिटी है, एस फोर है उससे रिलेटेड टू हो गए। नेक्स्ट हम देखें डी एन डी, डी एन डी ग्रुप जो है उसमें भी हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, फोर एन ही रहेगा। यहाँ पर डी टू डी की बात कर रहे हैं, ऑर्डर फोर एट है क्योंकि टू इंटू फोर 12 है डी थ्री डी में और डी फोर डी में क्या है, 16 है। तो इनमें कैसे होगा, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, आइडेंटिटी सी टू है उसके परपेंडिकुलर टू सी टू और हैं, टू सिग्मा डी भी हैं और एक एस फोर भी है जिससे रिलेटेड कितने हो गए, टू हो गए, कुछ ऐसा ही डी थ्री डी में होगा, 12 सिमेट ऑर्डर होगा इसका, इसमें आइडेंटिटी है सी थ्री है उसके लिए कितने हो गए, टू हो गए। इसके अलावा इसमें थ्री सी टू हैं, इन्वर्जन सेंटर है, थ्री इसमें क्या है, सिग्मा डी भी है और सी सिक्स है उससे रिलेटेड टू हो गए। ऐसा ही डी फोर डी में हो गया 16, देखिए आप यहाँ पर लिस्ट बहुत इजी है सब, कोई समस्या इसमें है नहीं। नेक्स्ट हमने देखा एस एन ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है ऑर्डर है वो एन के इक्वल होगा और एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलवेज इवन होगी। तो एस फोर की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, एस फोर और एस सिक्स टू एग्जाम्पल हमने लिए थे वहां पर,
तो एस फोर का ऑर्डर फोर हो गया, कैसे हुआ? इसमें आइडेंटिटी है एस फोर वन और एस फोर थ्री, और साथ ही सी टू, सी टू थी उसमें उसी केस में, एस आई ओ सी एस थ्री का ऑल फोर में देख रहे थे आप। एस सिक्स ऑर्डर सिक्स होगा, कैसे होगा? आइडेंटिटी सी सिक्स वन और सी सिक्स फाइव, इसके अलावा इसमें सी थ्री वन और सी थ्री टू था, और साथ ही क्या थी इसमें? इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट था। एस एट में भी ऐसा ही कुछ होगा, ये सारा हमने शो कर रखा है, एट सिमेट्री एलिमेंट्स को यहां पर शो कर रखा है हमने। नेक्स्ट हम देखें तो इनफाइनाइट ग्रुप्स जो हैं, जिनका ऑर्डर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, सी इनफाइनाइट वी और डी इनफाइनाइट एच। इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट किससे बिलोंग करेंगे? सी इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट इसमें सिग्मा भी होंगी। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इनका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसके अलावा हम यहां देख रहे हैं डी इनफाइनाइट एच, यहां परपेंडिकुलर इनफाइनाइट सी टू भी थी, इसमें शो नहीं किए हैं, बाई मिस्टेक रह गई है। तो यहां आप देख रहे हो इसमें आइडेंटिटी है इनफाइनाइट सी इनफाइनाइट से बिलोंग करेंगे, इनफाइनाइट सी टू से बिलोंग करेंगे, इनफाइनाइट सिग्मा वी से बिलोंग करेंगे, सिग्मा एच है एक और एक इन्वर्जन सेंटर भी है। तो इनका ऑर्डर, तो जो इनफाइनाइट ग्रुप हैं, जो लीनियर हैं, जो सेंट्रोसिमेट्रिक और नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक में डिवाइड किए गए थे, दोनों में ही ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अब हम कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स में सिमेट्री जो की बात करें, तो आप देखोगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल्स क्या अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई के एम टी यू वी और डब्ल्यू, इनमें आप क्या देख रहे हो? टोटली 11, इनका पॉइंट ग्रुप सी टू वी होगा। किसी को भी ले लीजिए आप, जैसे हमने केक को लिया तो के में क्या है? ये सी टू है हमारी, ये सी टू है या नहीं है? इसके परपेंडिकुलर कोई और सी टू प्रेजेंट नहीं है, तो इस प्रकार सी टू है वो सी टू में डी में कन्वर्ट नहीं हुआ। साथ ही इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है और वर्टिकल प्लेन इसमें प्रेजेंट है, तो इस प्रकार इसमें टू वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, एक ये और एक ये, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इस प्रकार इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? सी टू वी पॉइंट ग्रुप है। ए बी सी डी ई के एम टी यू वी और डब्ल्यू है, ये टोटल 11 जो अल्फाबेट हैं उनमें सी टू वी पॉइंट ग्रुप ही होगा। नेक्स्ट हम देखें एफ जी जे एल पी क्यू आर वाई, इन सब के सब में टोटली कितने हो गए? 8 हो गए। इन सब के सब में केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, आइडेंटिटी के अलावा प्लेन ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है, तो इनका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? सी एस हो गया। क्या हो गया? सी एस हो गया। थ्री हमारे पास अल्फाबेट एच आई और एक्स है, इनमें आप क्या देख रहे हो? सी टू है और परपेंडिकुलर इनमें सी टू और है, तो इस वजह से इनमें डी टू और साथ में हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है, तो इनका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? डी टू एच हो गया। नेक्स्ट हम देखें एन जेड और एस, इन थ्री अल्फाबेट की चर्चा करें तो इनमें सी टू है, उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन परपेंडिकुलर सी टू नहीं है, तो इस वजह से इनका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? सी टू एच होगा। और ओ की बात करें तो ओ है, उसको हम यूं लिखते हैं, तो इसमें पॉइंट ग्रुप क्या होगा? डी इनफाइनाइट एच होगा। जबकि आप जीरो की बात करें, जीरो ये सेप होती, जबकि ओ को यूं डिनोट करते हैं, तो जीरो और ओ में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, दोनों का पॉइंट ग्रुप सेम नहीं होगा कभी भी। तो इस प्रकार हमने पॉइंट ग्रुप है उसको और सिमेट्री एलिमेंट को यहां काफी हद तक समझ लिया है।
और मैं समझ रहा हूँ इसके बाद आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।